मोदी शाह की बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को यूं धोया है कि बेचारे समीक्षा बैठक करने से भी डरने लगे। इतनी करारी हार पर आखिर बैठक में बोले भी तो क्या बोले। एक ऐसी ही समीक्षा बैठक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस ने भी की। यूपी में पार्टी का जो हाल है उसके बारे में कोई यूपी कांग्रेस से ना ही पूछे तो बेहतर है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 38 सीटों के प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो हार के कारणों की समीक्षा करने थे, लेकिन यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उनकी इस कदर उपेक्षा की कि बेचारे अपना सा मुंह लिए रह गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, कानपुर से पूर्व सांसद श्री प्रकाश जायसवाल, कुशीनगर के पूर्व सांसद आरपीएन सिंह, दिग्गज मुस्लिम नेता इमरान मसूद और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, ये सभी बड़े नेता सिंधिया की बैठक से नदारद थे। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि सिंधिया ने हार की संभावित वजहों को जानने के लिए जिलाध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से बातचीत की, लेकिन उनसे कौन पूछे कि इन छुटभैया नेताओं से हार की वजह पता करना तो ठीक है, लेकिन बड़े नेता अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे, ये कब पता चलेगा। कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी भी रायबरेली में इसी तरह की समीक्षा बैठक कर चुकी हैं। उनके पास भी 42 सीटों की जिम्मेदारी थी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को मिली है तो सिर्फ एक सीट रायबरेली की। अब हार के कारण क्या रहे ये अब तक किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन बैठकों का दौर किसी तरह जारी है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।